करो कुछ एनर्जी है मतलब आर यू गाइस डूइंग गुड दे ऑल वांट टू क्लिक योर पिक्चर्स पहले 5 10 मिनट जितने पिक्चर्स क्लिक करने कर लो खींच लो आधा सेशन दो आपको शांति दो खींच लो पहले अभी 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 15 सेकंड पिक्चर ले लो आजा पोज देते हैं अभी सारे आंखों के थ्रू देखेंगे और बातें करेंगे अभी ठीक है फोन और छोड़ देते हैं ठीक है फोन चलो फोन अंदर तो वही ऑलराइट सो वी हियर हियर वी मैन जब भी आपको लगे अभी ऑर्डर स्विच टू इंग्लिश हिंदी पे कर दीजिए सो वी हैव आशीष अंजलानी प्लीज गिव अ लाउड राउंड ऑफ अप्लॉज एंड वी आल्सो हैव भुवन बांगिया Right, so I mean, मैं वही सब बेटा सवाल पूछूं नहीं पूछूं how did your journey begin all of that I think most of them know that how your journey has been but how do you feel I mean इतने लोग आपने 2-3 साल पहले कभी expect किया था that you would come on a stage and there'll be so many people chanting your name or your dialogues यार मेरा तो restaurant वाला हिसाब था तो वहाँ पे कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है अरे बंद करो इसको यार चुप करो इसको तो वो 5 लोगों की क्रिपिंग से इतनी बढ़िया जनता जो आपको सराह रही है तो इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी इट्स अ रोलर कोस्टर राइड और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग और बहुत बढ़िया लव टू ऑल और थैंक यू सो मच आशीष यू बीइंग लाइक यू यू आर अ बिग सिनेको लाइक यू वॉच ऑल मूवीज सारे पिक्चर्स में देखे मतलब यू हैव योर ओन थिएटर But अब तो बॉलीवुड को इंटीग्रेट कर रहा है, like you're getting all the Bollywood in your videos, you're promoting them. Probably people are watching films only because of you. How do you feel? Well, it feels amazing because अब आप ऐसा सोचो कि आप जिससे इंस्पायर्ड हो, एक दिन वही आपके साथ आके वीडियो बनाए, तो आप सोचो आप कहाँ पहुँच गए हो. So it was crazy. मैं मतलब अक्षय कुमार जी मेरे मतलब एकदम गुरु रहे हैं and जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे बोला वो क्लासरूम वाली वीडियो थी ना जिसमें तुम मारते हो सब पीछे एक एक जाके गिरते हैं मेरे को वो बहुत अच्छा लगा तो सुन के जो खुशी हुई इट्स अमेजिंग इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ये अमेजिंग पीपल ऑल बिकॉज ऑफ दीस गाइस No, I think so. अभी 8 million subscriber, 11 million subscriber, कुछ about 60 videos here, about 130 videos here. You feel कि एक प्रेशर है मतलब 11 मिलियन 8 मिलियन लोगों को लुभाना है you have to make them happy you have to deliver in a way where you can actually bring out emotions you feel that it actually I mean it's some pressure on your shoulders because I know how much you crave but then I really want to know how what exactly goes in your mind actually BB knows about this we both are very much prone to this pressure एंड हम इसके बाद में बात भी कर चुके हैं सो आई वुड लाइक यू टू स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन भी यार प्रेशर तो रहता ही है शुरू किया था मजे के लिए पर अब वो मजा ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि एक बड़ी जनता है जो आपकी वीडियो का वेट कर रही है और एक बार यूट्यूब का ऐसा ना एक बार कॉन्टेंट चला गया वो यूट्यूब की लाइफ तक रहने वाला है वो कभी वहाँ से हटेगा नहीं अनलेस एंड मैं पूरा था तो ये एक ऐसा प्रेशर तो खैर रहता ही है आपका हमेशा एंड जल्दबाजी अभी देखा 2 महीने बाद वीडियो आया क्योंकि पता है कि नहीं बन रहा है कंटेंट और क्यों ग्रांटेड लेना इतने सारे लोगों को जो आपने इतनी प्यार से इतनी मेहनत से जनता इकट्ठी की अपने साथ आप क्यों उनको कुछ भी देने के लिए हम लोग ऐसे तो नहीं डालते ना कि डालने के लिए डाल रहे हैं कि बना हुआ है हमारा कि अब चल डाल देते हैं इसको बहुत दिमाग माथा खच्ची होती कभी कभी अपने जो कि फनी नहीं लगते एक टाइम के बाद तो वो है थोड़ा खुद से ही फाइट है और क्रिएटर्स की फाइट अपने से मतलब लोग कहते हैं लोगों की आपस में फाइट है लेकिन क्रिएटर्स खुद से ही बहुत ज़्यादा फाइट है तो हाँ प्रेशर है रहता है एक चीज़ जो रहती है ना मतलब कि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैंने अच्छी वीडियो बनाई तो मेरे लिए भी नेक्स्ट वीडियो बनाना और डिफिकल्ट हो जाता है खराब वीडियो बनाए तो चलो ठीक है मुंह काला ही है अभी ऑलरेडी तो अच्छा कर लेंगे बट एक अच्छी वीडियो के बाद ना बहुत प्रेशर आता है बाय द वे बीबी हैज रिटर्न्ड आफ्टर 2 मंथ्स आफ्टर सो मेनी प्रॉब्लम्स ही इज बैक विद अ वीडियो सो आई वांट यू गाइस टू गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज थैंक यू सो मेरे भी इश्यूज आए थे
आशीष के इश्यूज मैं जानता हूँ, अवेंजर वालों ने इसको लहला रहे इसको यार, अवेंजर टॉयज वॉयज से अभी देखा मैं, हमने क्या पढ़ी चंपक, हमें चंपक की किताबें आ रही हैं, वो भी नहीं आ रही ट्विंकल और क्या अवेंजर चादर चौधरी नागराज, but जो तुम आप, I mean Marvel used to follow, used to watch their films, and today they call you to Singapore, they call you to different places to promote them. मतलब next level होगा ना भाई? भाई वो तो बहुत crazy था, मतलब Infinity War के director के सामने खड़े हो, और वो आप, मैं उनके साथ बात किया तो मैंने उनको सब बताया, मैं आप ये भी picture देखी मैंने, अभी ये scene में थे, अभी ये scene में, तो इतने खुश हो गए वो, उन्होंने मुझे बोला चल let's click a picture. Together और अंदर फोन अलाउ नहीं था. I was the first person in the entire interview junket जिसको डायरेक्टर ने बोला था फोन लेके आप लोग फोड़ोगे. Now can you see this is the beauty of digital and YouTube कि आज से आप 6 साल 5 साल ही मान लो 5 साल पहले तक अगर आपको अपना टैलेंट किसी को दिखाना है तो आपको एक लंबी लाइन में लगना पड़ता है पड़ता था और आपको किसी और के वैलिडेशन का वेट करना पड़ता था कि मैं उस रूप में जाऊंगा कोई मुझे बताएगा कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं. अभी आप अपने कंटेंट के और अपनी मर्जी के खुद मालिक हो. आपके पास एक फ्री प्लेटफॉर्म है यूट्यूब या फेसबुक या जो भी, आप उस पर कॉन्टेंट डालोगे. अगर कॉन्टेंट अच्छा हुआ और आपका अगर कॉन्टेंट का फेट है तो जनता पक्का देखेगी आपको, आप किसी पर निर्भर नहीं हो. तो दैट्स द ब्यूटी कि एक बंदा कमरे से वीडियो बनाना शुरू किया, अब सबसे बड़े यूनिवर्स के साथ एसोसिएटेड है. तो इट्स अ कमेंडेबल थिंग एंड आई थिंक इफ पीपल लाइक अस कैन डू इट, कोई भी कर सकता है, कोई भी. हम कोई बड़े बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस नहीं है, हम बस थोड़े पैशनेट और थोड़े ग्रीडी लोग हैं कि हमें कुछ चाहिए, हमें लाइफ में ना थ्रिल चाहिए, हमें वीडियो बनानी, हमें लोग कुछ देखना, हमें स्माइल्स देनी है लोगों को, उसके लिए हम किसी भी एक्सटेंड तक जाएंगे. एंड आई थिंक दैट को दिखाना चाहते हैं कि देखिए आपके साथ हो चुका है एंड आई एम वेरी श्योर आप टीवी से बहुत पक चुके हो. One second. Yeah. Guys, can we please? Can we please continue the session? Sorry. हो गया बात बात करके. कागज का हो गया. कागज का. हो गया लफड़ा वड़ा हो गया. बात करके. कहा था मैं भूल गया. हमको लफड़ा देखने के आरु. But now the reality is, I mean, so you being an engineer and now you being a YouTuber, content creator, celebrity, star. So I mean, because none of them have engineering degree. I mean, do people actually need those degrees? Do you think? कि क्रिएटर्स को मतलब कैन दे कैन बी अ कैरी मिनाटी हु इज 17 इयर्स ओल्ड एंड ही कैन स्टिल किल इट. हां एब्सोल्युटली. मतलब यू एज एंड योर एजुकेशन डजंट डिफाइन योर टैलेंट आई बिलीव. और कैरी कोई देख लो उसकी उम्र में को 500 रुपए नहीं थे गाड़ी आ गया लेके घुमा रहे. तो यही तो ब्यूटी है YouTube की. आपको मतलब एक प्रोडक्शन हाउस की जरूरत नहीं है, आपको किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं है. कैमरा उठाओ अपने व्हाट में वीडियो बनाओ डाल दो. सोचो ही नहीं कौन जज कर रहा है क्या जज कर रहा है. जाओ जाके स्टार बन जाओ.